हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम स्त्री बुक की रीडिंग चल रही है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर कर चुके हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो बुक है, मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि स्पेशली गर्ल्स को, लेडीज को तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। आपको इसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वैसे मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ तो एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर रही हूँ। अपने जैसा मुझे समझ में आता है आपको समझाने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो से भी आप बुक के टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक है हमारा, वो वही सब कुछ जितने भी टॉपिक्स हैं सब स्त्री से ही रिलेटेड हैं। तो इसमें जो प्रश्न है, प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, वीडियो देखी तो आचार्य जी की, उन्होंने एक वीडियो देखी, उसमें पूछते हैं कि मैंने उस वीडियो को जब देखा तो पूरी स्पष्टता से समझाया है आपने कि किस तरह पुरुष स्त्री को वस्तु मात्र समझते हैं और कैसे समझते रहे हैं, शुरुआत से ही समझते आ रहे हैं। पिछली चीजों को देखें हम तो पुराने समय से ही पुरुष स्त्री को केवल वस्तु मात्र ही समझ रहे हैं। अच्छा, इसको आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है। उन्होंने उत्तर दिया है इसका कि औरतों से मुझे बड़ी शिकायत है, जितनी उनसे शिकायत है उसको लेकर मुझे उनके लिए काफी दुख भी है। दुख है क्यों? क्योंकि जब मैं उनको देखता हूँ तो बड़ा दुख लगता है, लेकिन मुझे उन पर तरस भी आता है और उनसे काफी शिकायत भी है। शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुख का कारण स्वयं है, यानी कि स्त्री अपने दुख का कारण स्वयं है। औरतों की जो हालत खराब है ना, वो उसकी खुद जिम्मेदार है। वो अपनी जो हालत उन्होंने खराब की हुई है, जो स्त्री की हालत हम देखते हैं कि खराब है, वो उन्होंने खुद ही की है। उनके खुद के कारण ही वो दुखी रहती हैं। वो दुखी कैसे रहती हैं? एक तो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती हैं, और हाँ, ये वाकई में नॉर्मली चीज है कि पुरुष के कंपैरिजन में जो स्त्री होती है उसके अंदर ज्यादा भावनाएं होती हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी भावुक हो जाती है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है, तो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती हैं। लेकिन कभी कभी कई जगह पे वो क्या करती हैं, उन भावनाओं को ही वो अपना हथियार बना लेती हैं। कुछ काम नहीं हुआ, रोने लगी। यहाँ तक कि वो क्या करती हैं, भावना को अपना हथियार समझती हैं और देह को अपनी पूंजी समझती हैं। देह को सजाएंगी, संवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया। इन्हीं दो चीजों के कारण, देह माने तन और भावना माने मन, वो इतिहास में लगातार पीछे रह रही है, लगातार गुलाम रही है। जबकि स्त्री को प्रगतिशील होना चाहिए, उनको प्रकृतिगत कुछ विशेषताएं मिली हुई हैं, प्रकृति ने उनको खुद ही कुछ चीजों से नवाजा है, जैसे कि वो विशेषताएं पुरुषों के पास नहीं है। धैर्य, धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है पुरुष के कंपैरिजन में। अच्छा, वैसे हम नॉर्मली भी ये चीजें देखते हैं कि बॉडी सेंट्रिक तो बहुत हैं, और आजकल तो गर्ल्स कुछ ज्यादा ही बॉडी सेंट्रिक हैं। अपने कहीं भी जाना है, शादी पार्टी में, इवन नॉर्मली सा कोई घर में प्रोग्राम भी हुआ, यहाँ तक कि भगवान की कथा ही करा रहे हैं तो भी सजेंगी सवरेंगी, मेकअप करेंगी, सब कुछ कि हम सुंदर लगें। किस लिए? ताकि दूसरे लोग तारीफ करें, और तारीफ सुन के उनको बड़ा अच्छा लगता है। मीन्स बॉडी सेंट्रिक हो चुकी है बहुत ज्यादा। और यही नहीं, हम अपनी बच्चियों को भी बॉडी सेंट्रिक बना रहे हैं। बचपन से ही उनको बड़े उससे रखेंगे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उनका मेकअप करेंगे, ये वो। मतलब छोटी बच्चियों से क्या नॉलेज है कि लिपस्टिक और आईलाइनर ये सब कुछ लगाना, या मैं इनसे सुंदर लगूंगी। नेचुरल ब्यूटी भी है जो भगवान ने आपको दी हुई है। सब एक जैसे हो जाए, अगर आप सोचें कि आपने मेकअप कर लिया तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन ये भी तो लोगों को पता ही है ना कि उस मेकअप के पीछे भी एक चेहरा है। आपने मेकअप कर लिया, ये रियलिटी तो नहीं है मेकअप करके सुंदर लगना। हमेशा तो आप मेकअप करके नहीं रह सकते हैं। तो बॉडी सेंट्रिक नहीं होना है, नहीं बनना है। दूसरा, महत्वाकांक्षी स्त्री कम होती है। और ये दोनों, यानी कि धैर्य और महत्वाकांक्षी हो, ये बड़े गुण हैं। धैर्य स्त्री में ज्यादा होता है और वो महत्वाकांक्षी कम होती है। अगर स्त्री संयत रहे
तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं दो के बंधक बनकर रह जाती है। किसकी? तन की और मन की। आंचल में है दूध माने तन, और आंखों में है पानी माने मन, भावनाएं। बस इन्हीं दो की बंधक है वो, यही दो काम है उसको, दूध और पानी। उसी को मैंने उस लेख में लिखा है, औरत दो ही जगह पाई जाती है, बेडरूम में और रसोई में, यानी कि रसोई में खाना बनाती रहेगी, और बेडरूम माने दूध और रसोई माने पानी, और इसी को वो अपना फिर बड़ा बल समझती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो स्त्री में जो एक विशेष गुण है जो उसे पुरुषों से कहीं आगे ले जाता है, वो गुण उसमें होता है समर्पण का। स्त्री बहुत जल्दी समर्पित हो जाती है। पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है, एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज के प्रति तो समर्पित होती चली जाती है। आपने देखा होगा किसी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, उसमें अगर फीमेल मेल दोनों ही लोग काम करने वाले हैं तो मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल होगी वो अपने काम को कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से निभा रही होगी, वो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाती है। तो जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है उतनी निष्ठा से लड़के को करना मुश्किल पड़ता है, किसी भी काम को देख लीजिए। लेकिन फिर वही आंचल का दूध और आंख का पानी, यही आड़े आ जाता है और फिर सब खत्म, सब बर्बाद हो जाता है। अच्छा, अगर इन्हीं सांसारिक उलझनों से निकल क्यों नहीं पाती हैं स्त्रियां, तो इस पर आचार्य जी कहते हैं सब निकल जाएंगी लेकिन बीच-बीच में उनको उनकी भावनाओं से फायदा मिलता रहता है ना, तो वो बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए तो नया गले का हार मिल गया, डायमंड रिंग मिल गई, भावना तो बढ़िया चीज है, इससे तो हमें काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो बस काहे को रोना बंद हो, तन का दिखावा क्यों बंद किया जाए। सजती सवरती हैं ताकि पति की अटेंशन कम ना हो जाए, पति का आकर्षण हमारे प्रति कम ना हो जाए। पति पीछे पीछे आ गया, जैसे कि मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर वो बिल्कुल बहक जाता है, मन स्त्री का।